OpenCV also provides functionalities to resize an image. Resizing kya hai? Resizing is basically changing the dimensions of an image. आप इमेज के डायमेंशंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं. डायमेंशंस से क्या मुराद है? एक्स डायमेंशन एंड वाई डायमेंशन, हाइट ऑफ द इमेज एंड विड्थ ऑफ द इमेज. इमेज की विड्थ बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है. सिमिलरली इमेज की हाइट बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है. दोनों टास्क जो हैं वो साइमल्टेनियसली किए जा सकते हैं, कि हाइट भी बढ़ाई गई, विड्थ भी बढ़ाई गई, दोनों कम किए जा सकती हैं साइमल्टेनियसली. एंड इसी तरह किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को या डायमेंशन को भी टारगेट किया जा सकता है. वी विल सी इन दिस ट्यूटोरियल हाउ टू डू दैट. सबसे पहले हम इमेज रीड करेंगे. This is our image. First of all, we will print the shape of image so that we could compare. अब हम इमेज से उसकी प्रॉपर्टीज असेस करेंगे. Now we want to change the size of the image. For example, we want to reduce x direction and y direction of the image up to 60%. Hamara scale jo hai is equal to 60. Resized image cv.resize, source image देंगे which is image, और अब हम इसे the scale provide करने चाहते हैं. चूँकि हम image के size को उसकी actual dimension से 60% कम करना चाहते हैं या 60% तक लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम उन dimensions को calculate करेंगे. न्यू हाइट जो हमारी होगी वो होगी, लेट्स टाइप कास्ट इट टू इंट ताकि हमें कोई एक्सेप्शन हैंडल ना करनी पड़े. हमारे पास ओल्ड हाइट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 पे और डिवाइड कर देंगे 100 से. सिमिलरली न्यू विड्थ जो हमारे पास आएगी divided by 100. Our new dimension will be 100 and new height. इसे हम एक टपल की फॉर्म में रीसाइज को पास करेंगे. न्यू डायमेंशन. नाउ वी विल सी द साइज ऑफ आवर रीसाइज्ड इमेज. प्रिंट करेंगे हम रीसाइज्ड इमेज का साइज, ये शेप. नाउ वी विल रन दिस. अब हम देख सकते हैं कि हमारे ओरिजिनल इमेज की जो हाइट और विड्थ थी वो सेम थी, विच इज 583. जब हमने इसे 60% पर लेके आए तो वो 349 हो गई, और क्योंकि इनकी हाइट और विड्थ सेम थी तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इमेज आया, जो रीसाइज्ड इमेज आया, वो भी एक स्क्वायर इमेज था विद सेम हाइट एंड सेम विड्थ.
ये तो हमने इसे स्केल किया एक रेशो के साथ। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसे अपनी मर्जी का कोई भी डायरेक्शन दे दें, कोई भी डायमेंशन दे दें जिस पे वो स्केल हो जाए, तो उसके लिए वी विल जस्ट हैव टू राइट हेयर, हमें इधर लिखना पड़ेगा। मेरी पुरानी विड्थ जो है वो 583 है, मैं चाहती हूँ कि मेरी नई विड्थ जो हो वो 640 हो, और नई हाइट जो मैं चाहती हूँ अपनी इमेज की वो लेट्स से आई डू नॉट वांट अनदर स्क्वायर्ड इमेज, मैं चाहती हूँ अब मेरा इमेज एक रेक्टेंगल हो, तो मैं इसकी हाइट वेरी कर देती हूँ। आई विल मेक इट 500। नाउ वी विल सी द साइज ऑफ आवर रीसाइज्ड इमेज। अब हमारे पास जो हमने पैरामीटर दिए थे उसी के अकॉर्डिंग साइज आ गया। अब हम इसे विजुलाइज करते हैं दोनों को साइड बाय साइड, ओरिजिनल इमेज रीसाइज्ड इमेज। ये रिसाइज्ड इमेज है और ये हमारा ओरिजिनल इमेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमने इसकी विड्थ को इन्हांस किया, जो कि पहले 583 थी अब 640 हो गई है, और उसकी हाइट को हमने कम कर दिया, जो पहले 583 थी अब 500 हो गई है। इसी तरह हम इसकी किसी भी डायरेक्शन को ऑल्टर कर सकते हैं और एक नया इमेज जनरेट कर सकते हैं। Thank you.